नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूको बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में एक यूको बैंक का एटीएम पिन अगर आप भूल चुके हो उसको कैसे रिकवर करें, उसके अंदर कैसा अपना नया पिन सेट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी, यहाँ पे दोस्तों जरूरी जानकारी ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना होता है, क्योंकि काफी लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर कमेंट में बताते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। तो उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, आपका काम 100% होगा, ये मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों एक काम मैं आपको सौंपता हूँ, अगर मैं आपके लिए 5 से 6 घंटे मेहनत करके 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो एक काम आपको भी जरूर करना चाहिए, आपका भी ये फर्ज जरूर बनता है। दोस्तों मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए, जो मैं वीडियो बना रहा हूं क्या ये थोड़े बहुत अच्छे हैं, या फिर मुझे इसमें और इंप्रूव करना चाहिए, थोड़े और इसमें अच्छी एडिटिंग वगैरह करनी चाहिए, या फिर आप कह रहे हैं आपके हिसाब से सही है, ठीक ठाक है। और साथ ही साथ मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए फायदेमंद रहा है, जैसे कि आज मैंने वीडियो बनाया एटीएम पिन कैसे भूल जाते हैं तो इसको कैसे रिकवर करें, तो ये जो मैं टॉपिक बना रहा हूं इससे अगर आपका काम होता है तो 101% दोस्तों आपको फर्ज बनता है कि आपको कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि आपका काम हो गया है और ये वीडियो मेरे लिए फायदेमंद रहा है, ये चीज आपको जरूर बता नहीं है। और अच्छा लगे तो लाइक तो आप जरूर करते ही है हमेशा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन में इस तरफ आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी आपके डिस्प्ले के अंदर, यहां पे मैंने एक मोबाइल ले लिया है और उसी मोबाइल में मैंने एक एटीएम ओपन कर लिया है। तो वो जो एटीएम किस तरीके से है आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको बता रहा हूं ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, आपका काम 101% हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने मोबाइल लिया है इसी मोबाइल में मैं देख देख के आपको बताऊंगा वो प्रोसेस, ये मैं देख देख के इसलिए बता रहा हूं कि एक भी ऐसा पॉइंट चूक ना हो जाए मेरे से जिससे आपका कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आपको 101% सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जो भी मैं यहां पे देख रहा हूं बता रहा हूं वो आपको स्क्रीन में साइड में दिखता रहेगा। तो हम यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे सबसे पहले जैसे ही आप एटीएम में जाते हैं एटीएम मशीन में अपना जैसे ही कार्ड डालते हैं तो वहां पे आपके सामने लिखा होगा, आपको भाषा सिलेक्ट करनी होगी हिंदी या फिर इंग्लिश, और साइड में यहां पे आपको देखने को मिलेगा ग्रीन पिन, ये जो ग्रीन पिन देखने को मिल रहा है इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों यूको बैंक में हमेशा आपका जो एटीएम है वो कैसा रहता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब दोस्तों यहां पे ग्रीन पिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने दो ऑप्शन और आ जाते हैं, जनरेट ओटीपी और वैलिडेट ओटीपी। तो सबसे पहले हमें ओटीपी को जनरेट करना होगा, तो हम जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में लिखा होगा यहां पे प्लीज एंटर योर अकाउंट नंबर, अब आपको यहां पे अपने अकाउंट नंबर लिखना है, और याद रहे जब आप एटीएम में जाए उससे पहले अपने अकाउंट नंबर साइड में लिख के जरूर जाए, या फिर अकाउंट नंबर का फोटो खींच के जरूर जाए एटीएम में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब अपना अकाउंट नंबर लिख ले तो दोस्तों यहां पे प्रेस इफ करेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहां पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा होगा योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड प्लीज वेट, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो रहा है कृपया करके इंतजार कीजिए, ये दोस्तों 1-2 सेकंड रहेगा। उसके बाद में आपके सामने लिखा होगा योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, अब कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपका एटीएम कार्ड है वो वापस बाहर निकाल लेना है, और यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो आपको साथ में लेके जाना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी है वो दोस्तों संभाल के रखिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। अब उसके बाद में जैसे आप अपना अब क्या करना है एटीएम मशीन में अपना कार्ड वापस डालना है, और फिर यहां पे हिंदी इंग्लिश भाषा सिलेक्ट नहीं करते हुए हमें यहां पे जनरेट यहां पे ग्रीन पिन लिखा है, इसी ग्रीन पिन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहां पे लिखा होगा जनरेट ओटीपी और वैलिडेट ओटीपी, तो हम यहां पे वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पे वापस आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा, जो कि आपका जो भी हो वो लिख लीजिए। उसके बाद में यहां पे प्रेस इफ करेक्ट, मतलब आपने जो अकाउंट नंबर लिखा है वो सही लिखा है तो प्रेस इफ करेक्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, यहां पे लिखा होगा प्लीज एंटर योर ओटीपी, मतलब आपके पास जो ओटीपी आया है वो ओटीपी अब आपको यहां पे लिखना है, याद रख के आपको ओटीपी लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लिखना है प्रेस इफ करेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा होगा योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड प्लीज वेट, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहा है कृपया करके इंतजार कीजिए, तो हमें 1-2 सेकंड इंतजार कर देना है। उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा,
फिर यहाँ पे लिखा होगा एंटर न्यू पिन, मतलब आपको एक नया पिन सेट करना होगा, जो आप भूल चुके हैं वो तो भूल गए, अब आपको कोई भी एक नया पिन सेट करना है, जैसे 1234 हो या फिर 4321 हो, आपको जो भी सही लगे वो यहाँ पे रख लीजिए। पर एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जब भी आप एटीएम पिन रखे तो ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि एटीएम पिन सरल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला 1234, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं रखना है, आपको कोई भी ऐसा पिन रखना है जो किसी को याद ना रहे या फिर पता ना चल सके। और काफी लोगों की सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि लोग अपना मोबाइल नंबर रहता है, वो मोबाइल नंबर के आगे वाले चार अक्षर या पीछे वाले चार लेटर है वो लिख लेते हैं, अपना एटीएम पिन सेट कर देते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ये कभी भी नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर का पिन सेट नहीं करना है, आपको कोई भी एक यूनिक कोड सेट कर देना है जो आपको हमेशा याद रहे और किसी को कभी पता ना चल सके। मतलब अगर कोई बंदा आपके पास में खड़ा रह के आपका एटीएम पिन डालते हुए आपको देख भी ले, तब भी उसको याद ना रहे कि आपने क्या लिखा। इस तरीके से आपको हमेशा हार्ड पिन सेट करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे एंटर ए न्यू पिन के ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे री एंटर न्यू पिन, मतलब आपने जो अभी जो भी पिन लिखा है वो यहाँ पे नया लिख लीजिए, और वही बात आपने दोबारा लिखने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड प्लीज वेट, मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हो रहा है, कृपया करके इंतजार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे बाद में लिखा है, यहाँ पे लिखा है योर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड थैंक यू फॉर यूजिंग डायमंड एटीएम, मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा हो चुका है, डायमंड एटीएम यूज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अर्थ ये होता है कि आपका जो एटीएम पिन है वो नया सेट हो चुका है, आप उसका यूज कर सकते हैं। पर याद रहे दोस्तों ये चीज कि आज का ये वीडियो मैंने काफी लंबा बना दिया है, पर मैंने लंबा इसलिए बनाया है कि आपको पूरा नॉलेज मिले, और मेरा यही तरीका है, मैं वीडियो हमेशा लंबा जरूर बनाता हूं पर उसमें पूरे से पूरा नॉलेज या फिर पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। कमेंट में बताइए कि आपका काम हो गया है या फिर नहीं हुआ, या फिर कोई समस्या आ रही है तो बताइए, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।